नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऋषिकेश में 3 बिल्डरों के ठिकाने पर छापा पड़ा है। वित्तीय गड़बड़ी और टैक्स चोरी का ये मामला है। मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। शनिवार को भी जारी रह सकती है कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विभाग ने कई दस्तावेज बरामद की है, तो ये छापेमारी अभी भी चल रही है और कहा जा रहा है कि आज भी पूरे दिन भर ये कार्रवाई जारी रह सकती है। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विभाग ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसके आधार पर ये कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है, तो शनिवार को भी जारी रह सकती है कार्रवाई। बता दें कि कई ऐसे दस्तावेज है जो कि विभाग ने बरामद किए हैं और ऐसे में ये कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है और आज पूरे दिन ये कार्रवाई जारी रह सकती है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है और ऋषिकेश में 3 बिल्डरों के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी कब से ये छापेमारी शुरू थी, कितनी जगहों पर छापा पड़ा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विभिन्न जो फार्म कंपनियां हैं जिनकी तरफ से प्रदेश में विकास के यहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन लिए गए हैं, कई जगह पर उनके काम यहाँ पर चल रहे हैं, उनके घरों पर और उनके जो ये कह सकते हैं कार्यालय है वहाँ पर इनकी छापेमारी की गई है। लगभग 2 से 3 घंटे तक लगातार छापेमारी की गई है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज उनके तरफ से लिए गए हैं, जो जांच के जिस पर जांच यहाँ पर की जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि जो शिकायतें मिली है उन शिकायतों के आधार पर जो जांच हुई है उस जांच के आधार पर अगर कहीं पर भी ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में जिस प्रकार से निर्माण कार्य को लेकर कई शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी उसी पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जी, अभी सिर्फ 3 ऐसे बिल्डर है जिनके घर पे छापा पड़ा है, क्या ये संख्या आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि एक जो प्राइमरी जो शिकायत थी उस शिकायत के आधार पर ये छापेमारी यहाँ पर हुई है। अभी दस्तावेजों को खंगालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें टीम की तरफ से दस्तावेज यहाँ पर लिए गए हैं जो छापेमारी के दौरान उन्हें मिले थे। आने वाले दिनों में कुछ और पूछताछ या इस प्रकार की छापेमारी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा कई और बड़ी जो कंपनियों के जो सिस्टम यहाँ पर चल रहे हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि किसी भी प्रकार से इस समय समझा जा सकता है कि जो धरातल पर विकास की योजनाओं काम होना है अगर उसमें लापरवाही की जो शिकायतें मिल रही थी अगर वो सही पाई जाती है तो फिर ये समझा जा सकता है कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, कुछ कागजात भी मिले हैं, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है? संपर्क टूट गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां शनिवार को भी ये कार्रवाई जारी रह सकती है और कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं इस कार्रवाई के दौरान। और शुक्रवार को डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिले में अब तक 1074 डेंगू के मरीज मिले हैं। अब तक 1032 मरीज हो चुके हैं रिकवर। डेंगू से 13 लोगों की हो चुकी है मौत। तो देहरादून में क्या स्थिति है आप तक पहुंचाने। शुक्रवार को भी मरीज मिले हैं डेंगू के, ऐसे में संख्या बीच में कम हो गई थी डेंगू के मरीजों की, लेकिन अब बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। बता दें कि अब तक जिले में 1074 मरीज मिल चुके हैं डेंगू के। अब तक 1032 मरीज रिकवर हो चुके हैं और कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनका आंकड़ा 13 है। मौत हो चुकी है उनके डेंगू के कारण, 13 लोगों की जान जा चुकी है। तो अभी बता दें कि और 7 नए मरीज मिले हैं देहरादून में। बीते दिन की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ डेंगू का आंकड़ा जो है, मरीजों का आंकड़ा, वो बढ़ के 1074 हो चुका है और अभी तक 1032 जो मरीज थे वो रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं 13 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस बीच अहम जानकारी बता दें कि कार्बो टाइगर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर शासन सख्त है और अवैध पेड़ काटने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। भ्रष्टाचार पर सीबीआई ने दर्ज किया है मुकदमा। भ्रष्टाचार पर विजिलेंस की जांच और कार्रवाई जारी है, तो भ्रष्टाचार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि भ्रष्टाचार पर विजिलेंस की जांच और कार्रवाई जारी है।
अभी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ईडी और विजिलेंस के बाद सीबीआई ने भी पूरे मामले पर अपना मुकदमा दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की बात कही जा रही है, अधिकारियों के ऊपर पूर्व में भी कई जांचें यहां पर हो चुकी है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार यहां पर ये बड़ा निकल कर सामने आया है, ऐसे में अब सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनके अधिकारियों के जो कार्यालय और उनके जो घर हैं वहां पर अपने दस्तक देना शुरू कर दिया, ताकि जो भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को जुटाए जा सके। क्योंकि कैरो नेशनल पार्क में अवैध पेड़ों के कटानों के साथ साथ जो वहां पर जो निर्माण के काम हुए हैं उनमें जिस प्रकार से धांधली यहां पर की गई है वो बड़ा स्तर पर ये कह सकते हैं कि करोड़ों के घोटाले की आशंका यहां पर जाहिर की गई है। और जब मामला सीबीआई में जा चुका तो सीबीआई की तरफ से पूरे मामले पर ये कह सकते हैं कि अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई में कुछ और बड़े नाम भी यहां पर जुड़ सकते हैं, जैसे खासतौर पर समझा जा सकता है कि जो सफेदपोश नेता है उनके खिलाफ भी ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सीबीआई की हो सकती है। तो लगातार कोशिश यही है कि जो सीबीआई की जो जांच यहाँ पर चल रही है उस जांच पर कुछ जो सच्चाइयां हैं जो तथ्य है वो निकल कर सामने आ पाए। तो ये कह सकते हैं कि जांच शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में जो सच्चाई होगी वो भी निकल कर सामने आ जाएगी। जी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से ऐसे बड़े नेता है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या इसकी जद में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ये समझा जा सकता है कि जो प्राइमरी जो अभी तक जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसमें फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी हैं जो इस समय वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं कि पूर्व में उनके खिलाफ यहाँ पर कई मामले भ्रष्टाचार के यहाँ पर लिप्त थे और उन्हें ये कह सकते हैं कि जो पूर्व के जो वन मंत्री रहे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उनके काफी करीबी यहाँ पर कहे जाते थे। और ऐसे में जब हर उन अधिकारियों के खिलाफ जांच यहाँ पर शुरू हो चुकी है, सीबीआई अपनी जांच यहाँ पर कर रही है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उनकी भी मुश्किल और यहाँ पर बढ़ सकती है। क्योंकि लगातार बिल्कुल, अभी अब देखना होगी कार्रवाई कितने दिन तक आगे बढ़ती है और कौन कौन से नेता इसके जद में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी देहरादून की सड़कों में गड्ढे दून घाटी की सुंदरता में खामियां दिखाने का काम करते हैं। वहीं इस पर चलने वाले वाहन चालकों के हिचकोले खाते वाहन जाम के जाम में कई बार फंस जाते हैं। पैदल राहगीरों के चलने के लिए भी ये गड्ढे किसी बड़ी फजीहत के सबब से कम नहीं होते हैं। दरअसल साल 2017 में देहरादून शहर स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा बनाया गया और आज लगभग 6 साल पूरे होने के बावजूद भी देहरादून स्मार्ट सिटी के सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। इस बीच अब देहरादून नगर अपना नया अभियान शुरू करने जा रहा है। जनता को अब सड़कों के गड्ढों से मुक्ति देने के लिए अब नगर निगम सड़कों के सुधारीकरण के लिए काम करेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अमावस्या के मौके पर प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर अपने पितरों के नियमित पूजा करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वो हर साल अमावस्या के दिन प्राचीन नारायणी शिला मंदिर आने की कोशिश करते हैं और आज भी वो अमावस्या के मौके पर अपने पितरों के निमित्त प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में पूजा पाठ श्रद्धा के लिए नारायणी शिला मंदिर आए। उन्होंने कहा कि मंदिर पूजा पाठ करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। वही सनातन पर धर्म पर की जा रही लगातार बयानबाजी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में चाहते हैं कि सनातन और सनातन से जुड़ी परंपराएं इस देश में खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जब वो भी नहीं थे तब से सनातन धर्म था। करीब 5000 साल पहले से सनातन धर्म और उसके जुड़ी परंपराएं चलती आ रही। हमारा देश और हमारा सनातन धर्म के परंपराएं आगे भी इसी तरीके से चलती रहेंगी। देश के प्रसिद्ध और विख्यात पर्यावरणविद चंद्र प्रसाद भट्ट ने बदलते पर्यावरण पर गहन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण के संतुलन ने आज मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। चंद्र प्रसाद भट्ट ने वैश्विक आपदा सम्मेलन के आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस आयोजन के किए जाने से कई लोगों को आपदा से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त होगी। कार्यक्रम के जरिए जितने भी देश इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं उन सबको आपस में
एक्सपीरियंस साझा करना चाहिए और उन्हें धरातल पर उतरने का काम किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि लगातार टूट रहे ग्लेशियर पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसके साथ ही यह मानवता के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है और इस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज पर्यावरण के असंतुलन ने मनुष्य क्या पूरे प्राणी समुदाय का जीवन नामांडोर करके रख दिया है। इस विषय की चिंता एक जरूरत बन गई। इसकी अनदेखी करना अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। पर्यावरण के बारे में जो सोच सुविचारित अंत प्रेरित हो तभी उसके सफल मिल सकते हैं। तो आज इस प्रकार का आयोजन राज्य सरकार ने मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसने वो किया, तो इसकी एक तरफ से प्रशंसा की। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अनुभव है उनका लाभ हम सब उत्तराखंड को मिलेगा और उत्तराखंड में ही नहीं हमारा पूरा हिमालय जो क्षेत्र है आज पर्यावरण बिगाड़ से बहुत ही संत्रस्त है और इस प्रकार के आयोजन से एक दूसरे के अनुभवों का लाभ भी मिलेगा। लेकिन असली बात तो यह है कि कार्यक्रम सुनिश्चित होना चाहिए। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 14.21 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जोईवाला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्ता को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में लगातार तापमान में बदलाव दिखने को मिल रहा है, जिसके कारण सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत चारों धामों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड होने लगी है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिन प्रदेश भर में मौसम ठंड रहने के आसार है। तो बता दें कि अब मौसम बदल रहा है, जिसके कारण सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दो से तीन दिनों तक इसी तरीके से ठंड रहेगी और लोगों को अपना ख्याल रखने के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज है, बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी काफ़ी ठंड यहाँ पर दिखाई दे रही है। हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दिखना लगातार जारी है। आपको बता दें कि हाथियों का झुंड क्षेत्र में टहलते हुए दिखा, जिससे देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जंगली हाथियों का आतंक अब देखिए हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान निकाय चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनावों पर है। यही कारण है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं किया गया। साथ ही राज्य सरकार से कोर्ट ने यह भी पूछा है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारी। जसपुर निवासी अनीश की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार और आयोग दोनों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई है, जिससे पहले सरकार और आयोग दोनों को अपना शपथ पत्र दाखिल करना है। उत्तराखंड में म्यूनिसपैलिटीज के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए तैयार चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ ये टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से, तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है।
सितारगंज में पुलिस ने 25,000 के नामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से घटना के वक्त प्रयुक्त की गई 315 बोर का तमंचा और स्कॉर्पियो कार बरामद किया है। बता दें कि 1 अक्टूबर को सत्येंद्र सिंह सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी और एक अभियुक्त को जेल भेज दिया था। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। वहीं सरकार किसानों और काश्तकारों को लाभ देने और कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ग्रोथ सेंटरों को स्थापित कर रही है, जिसमें महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। तभी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और कहा कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रोजगार देने में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान पर आता है। साथ ही कहा है कि प्रदेश सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, आज की डेट में हम आपको बताएं कि वैसे तो मैं बताना चाहती हूं कि उत्तराखंड प्रदेश हमारा रोजगार देने में जो आंकड़े सामने आए हैं वो दूसरे स्थान पे हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स जिस प्रकार से यहाँ के प्रदेश की ज़रूरतें समझी, यहाँ की आवश्यकताएँ समझी, उन पर कार्य वो लगातार कर रहे हैं। और अब हम स्वरोजगार की जो पहले से हमारी मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है उसी को हम आगे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं और MSME के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लाकर रूरल एरिया को, रूरल इंफ्रा को हम आगे डेवलप कर रहे हैं और लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार प्रदान करने की ऐसी योजनाएं लाके उनको लाभान्वित कर रहे हैं। देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस और अधिक सक्रिय हो गई है। वहीं SSP अजय सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों की लगातार SIT से जांच की जा रही है और बताया कि दोषियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर 1 दर्जन से अधिक लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि जांच अधिकारी को इसके लिए निर्देशित किया गया है और उनके खिलाफ दायर की गई IPC की धाराओं में नियमानुसार बढ़ोतरी करके कार्रवाई की जा रही है। एक जमीन संबंधी धोखाधड़ी की SIT द्वारा निरंतर इसमें जांच की जा रही है। नए इसमें जो भी लोग प्रकाश में आ रहे उनकी गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसी दौरान जो पूर्व में क्लेमेंट टाउन में एक कोठी को ध्वस्त करने और कब्जा करने पर मुकदमा डकैती की धाराओं में बाद में तरमी मौके दर्ज किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो इस SIT द्वारा जो जाँच की जा रही फर्जीवाड़े की, उसमें KP सिंह और अन्य लोग के नाम भी आए थे जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उस मामले में भी उसकी विवेचना में नाम प्रकाश में आया था जिसका 420 की धारा में जो है चालान किया गया था। चूंकि अब नए साक्ष्य इसमें आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसमें फर्जी कागजातों को तैयार करके कूट रचना भी की गई है, इसमें अन्य लोग भी सम्मिलित हैं, तो उसके 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आयोग को निर्देश दिया गया है कि पुनः फिर से उसमें जो नए साक्ष्य आ रहे हैं इस SIT के द्वारा जो आए हैं उसको भी, उन धाराओं को भी सम्मिलित किया जाए और जो भी उसमें दोषी है या जिसके खिलाफ कम धाराओं में चार्जशीट की गई उसमें भी साक्ष्य एकत्र करके उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की। और जसपुर की मंडी परिसर में खाद्य विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू कर दी गई है। बता दें कि जिसमें कई बार जसपुर खाद्य विभाग को 65,000 कुंतल का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू कर दी गई है और 31 दिसंबर तक धान खरीद जारी रहेगी। धान खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन की जगह में जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्हें अपडेशन के लिए हम किसानों को कह रहे हैं। अब की बार हमारे यहाँ जसूर में 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं खाद्य विभाग के, जिनका लक्ष्य 65,000 कुंटल रखा गया है और आज दिनांक तक हमारी लगभग 1,000 कुंटल की धान खरीद हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहें इंडिया वॉइस।